हिंदुओं वालों का इतना साहस कि हमारे विजयनगर की भूमि पर अपना अधिकार जमाने का स्वप्न देख रहे हैं। तो अच्छा हुआ मेरी आंखों के सामने नहीं है, अन्यथा उन्हें डंडे से मार मार के हिंदुओं वापस भेज देती। उठा लो उठा लो, ये हमें नहीं। मारी मारी इसे पीछे हिमडोंग, तुम जान तो ले यहाँ आई क्यों है। ये तो शगुन लेके आई है, कहीं ऐसे विवाह तो आप रो क्यों रही है? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न क्यों प्रसन्न हूँ मैं? मेरे रामा से दूर रहे। ना 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 ना, मैं पंडित रामकृष्ण से मिलने नहीं आया, मैं तो आप दोनों से मिलने आया। आप दोनों के लिए भेज लाया मैं। भेड़ बकरी का हम क्या करेंगे? अरे भेड़ भेड़ ये सब सामान भेड़ में तो लाया मैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, अम्मा भेड़ भेड़ लाई है हमारे लिए। हमारे हिंदुओं से मेल लाए, एक सी बढ़कर एक वस्तु है आपके लिए। ये देखिए इतना सुंदर गहना, श्रृंगार के सामान और अच्छे वस्त्र, और भी बहुत सारे सामान लाई हूँ मैं, ये देखिए देखिए। अरे आप यहाँ क्यों खड़ी है? आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे विराजमान होइए। क्या खाएंगी क्या पिएंगी आप? अम्मा ये क्या कर रही हैं आप? यदि रामा को ज्ञात हो गया तो पता नहीं क्या होगा। रामा की चिंता तू मत कर, इतने बहुमूल्य उपहार लेके आई है, इन्हें कैसे वापस कर दूं? इतने प्रेम पूर्वक लेके आई हैं, इन्हें कैसे वापस कर दे? ये दोनों तो लोग की जाल में फंस गए, जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। आप ऐसे ही भेंट देती रहेंगी? हाँ हाँ, आगे भी ऐसे भेंट बहुत सारे लेके आएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर हार। अम्मा दरबार में सन्नाटा छा गया, किसी को कुछ सोच नहीं रहा था कि कौन सी लगाए युक्ति कि मच्छरों से मिल जाए मुक्ति। पंडित रामकृष्ण है वो कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेंगे। अरे क्या पंडित रामकृष्ण पंडित रामकृष्ण पंडित रामकृष्ण, अरे वो जो कुछ भी करते हैं हमसे सुझाव लेकर करते हैं। अरे सौदू हम तो अपने विषय में बात कर रहे हैं, हमने मच्छर भगाने का हल निकाल लिया। कैसे? हमने राज दरबार को गोबर से लीप दिया। हम क्यों लीपेंगे राज दरबार को गाय के गोबर से? हाँ तो? अरे हमने तो दरबार में गाय के गोबर से बने हुए उपले एक बड़े से पात्र में डलवाए और उसमें अग्नि लगवाई और उसके पश्चात ऐसा धुआं उठा कि समस्त मच्छर छू मंतर हो गए और राज दरबार में हमारी ऊ हो गई। ऊ हो गई? जय जयकार हो गई। मनी हाँ? जब 100 धूर्त मरे होंगे ना तब जाके ये एक धूर्त तथाचारी पैदा हुआ होगा, और जब सहस्त्र मूर्ख मरी होंगी ना तब जाके सौदामिनी देवी पैदा हुई होगी। तभी तो इस बुढ़े के चिकनी चुपड़ी बातों में आ रही है। चल कोई बात नहीं, इनके बनते हलवे की कढ़ाई में थोड़ी करछी घुमा लेते हैं। कैसे? वो देख मंदू आ रही है। काम हो गया? नहीं है नहीं है नहीं है। क्या नहीं है? हमारे गुरुजी ऐसा दूसरा कोई महान व्यक्ति ही नहीं है। हाँ सौदामिनी देवी, हमारे गुरुजी ने कहा है कि वो शीघ्र आपको विजयनगर की राज नर्तकी बनाएंगे। विश्वास ना हो तो पूछ लो इनसे सामने ही खड़े। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए पूछिए सौदामिनी देवी जी। गुरुजी क्यों बताइए ना, आप इनको राज नर्तकी बनाने वाले ना विजयनगर की? हाँ हाँ कहा था कि हम महाराज से सौदू के विषय में बात करेंगे कि सौदामिनी को राज नर्तकी बना दिया जाए। क्या कहा? राज नर्तकी?
लेकिन वो तो मैं हूँ। तुम हो विजयनगर की राजनर्तकी किंतु रहोगी नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने सोचा है कि अब सौदामिनी देवी को विजयनगर की राजनर्तकी बनाएंगे। क्यों गुरुजी, है ना? शारदा, क्या हो रहा है ये सब? अरे रामा, एकदम सही समय पे आया है। देख, ये हिमडोंगी हमारे लिए कितने सुंदर उपहार लेके आई है। पंडित रामकृष्ण, आपके मुख में प्रसन्नता नहीं, ये देखिए आपकी पत्नी अरम्मा कितनी प्रसन्न है। और हम तो वचन देते हैं कि आपको और आपके परिवार को हम जीवन भर ऐसे ही प्रसन्नता करते रहेंगे। इस षड्यंत्र का कारण भी बता दीजिए। कारण कुछ भी नहीं है, हम तो बस ये कहना चाहते कि हिमलोंग में आप जैसे बुद्धिमानी मनुष्य की कितनी सम्मान करती है। हिमलोंग वाले बुद्धिमान मनुष्य का कितना सम्मान करते हैं ये मुझे भली भांति ज्ञात है। देखिए, अगर आप हिमलोंग से पांव मिला लेती तो। हाथ, इसके कहने का अर्थ है हाथ। पीछे हटो। देखिए, अगर आप हिंडोंग से हाथ मिला लेते तो विजयनगर में आपको जितना मिल रहे हैं वो हिंडोंग आपको 3 गुना ज्यादा वेतन और सम्मान भी दे देगी। यही प्रस्ताव यदि मैं आपको दूं तो? क्या है कि हिंडोंग से 3 गुना अधिक वेतन तो नहीं, किंतु 10 गुना सम्मान अवश्य मिलेगा, क्योंकि विजयनगर में बुद्धिमान व्यक्तियों को सम्मान बहुत मिलता है, हिमडोंग की तरह अपमान नहीं मिलता। और आप तो अत्यंत बुद्धिशाली हैं। मैं स्वयं आपका सम्मान करता हूं, किंतु जिस प्रकार का दुर्व्यवहार आपके महाराज ने आपके साथ किया ना, वो असहनीय था। तुमको कैसे पता चली? अपने विशेष अतिथियों के बारे में संपूर्ण जानकारी रखना स्वभाव है मेरा। अगर वो हमारा हस्ताक्षर किया हुआ अनुमान पत्र वापस नहीं ले पाई तो जिस भूमि के लिए लड़ाई हुई है उसी भूमि में तुम जीवित काट दी जाओगी। हिमडोंग में अपने राज्य और राजा के प्रति निष्ठा के बदले गले पर तलवार मिलती होगी, किंतु विजयनगर में अपने राज्य की निष्ठा के बदले गले में हार पहनाया जाता है। अभी आपको तय करना है, तलवार चाहिए या हार? तलवार भी चाहिए, लेकिन अपने देश की, शत्रु राष्ट्र के हार से अच्छा अपना देश का तलवार खाऊं। प्रसन्नता हुई आपके विचार सुनकर, किंतु आप अपने राज्य के प्रति जितनी निष्ठावान हैं, मैं उससे कहीं अधिक अपने राज्य के प्रति निष्ठावान हूं। इसलिए उठाइए अपनी ये भेंट और निकल जाइए यहां से। उठाइए इन्हें। मां, रखो इसे। बुद्धि, घास चरने गई है तेरी, ऐसे कैसे वापस कर दूं ये सारे उपहार? इनमें से एक भी उपहार इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। अरे ये शत्रु है हमारी। चुप कर, कहा ना इनमें से एक भी उपहार नहीं ले जाने दूंगी। विजयनगर है, विजयनगर के हर मनुष्य के रगों में रक्त कम और देशभक्ति ज्यादा बहती है, समझी? चल,
निकाल। अरे वाह मेरे घर की देवियों। ये जो कह रहे हैं क्या वो सत्य है? नहीं नहीं नहीं, ये तो गधे हैं, मूर्ख हैं, इन्हें क्या पता। क्या कहा? आप हमें राजनर्त की नहीं बनाएंगे, परंतु अभी थोड़ी देर पहले तो आपने हमसे कहा था कि आप हमें राजनर्त की बनाने के लिए महाराज से बात करेंगे। नहीं नहीं, वो साधु सौदामिनी, तुमने हमारी पूरी बात नहीं सुनी। हमने कहा था कि राजनर्त की नहीं, हम तुम्हें राज नृत्य शिक्षिका बनवाएंगे। शिक्षिका क्यों, हम तो राजनर्त की बनेंगे। राजनर्त की तो तुम थी ना, अब तुम राज नृत्य शिक्षिका बन जाओ। तो कितना अनुभव है तुम्हारा, इतना अनुभव है ना? हाँ हाँ, अनुभव अनुभव। गुरुजी कहना चाहते हैं कि आप अधिक अनुभवी हैं, आपको राज नर्तकी होने का अधिक अनुभव है, क्योंकि 20 वर्ष पूर्व आप ही तो थी विजयनगर की राज नर्तकी। इनके कहने का क्या अर्थ है, मैं अच्छे से समझ रही हूँ कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। ना 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 ना, गुरुजी का कहने का अर्थ है कि आप ही अधिक योग्य नर्तकी हो, है ना गुरुजी? आप यही कहना चाहते हैं ना? हाँ हाँ। क्या कहा? ये अधिक योग्य नर्तकी है और मैं योग्य नहीं? नहीं। अरे गुरुजी अब आप ही बताइए, इन दोनों में से कौन अधिक योग्य नर्तकी है, बता दीजिए। हाँ, आज निर्णय हो ही जाए। हाँ, मैं भी देखती हूँ इनका क्या निर्णय है। मुँह खोलो ना, कुछ तो बोलो, मुँह खोलो ना। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, दोनों शांत हो जाओ। हमें ध्यान आया, हमें ध्यान आया, महाराज ने हमें मिलने के लिए बुलाया है, हम जा रहे हैं। तुम मेरी रास्ते रोकने का कारण? मित्रता करनी है। मित्रता करनी है? मित्रता का कारण? कश्चित कश्याचिन मित्रम न कश्चित कश्याचित रिपुः, अर्थ तस्तु निबाध्यन्ते मित्राणि रिपवास्तथा। अर्थात न कोई किसी का मित्र है न शत्रु, कारणवश ही लोग मित्र भी बनते हैं और शत्रु भी। पंडित रामा कृष्णा से हाथ मिलाने से अच्छा है हमसे हाथ मिलाएं, क्योंकि आपका कार्य हम कर सकते हैं और हमारा कार्य आप। कैसी कार्य? छह माह के अभ्यास का परिणाम है ये पंडित रामाकृष्णा के हस्ताक्षर। माना कि महारानी से भूमि का सौदा अवश्य आप लोगों ने किया था, किंतु अनुबंध पत्र पर पंडित रामाकृष्णा के हस्ताक्षर हमने किए थे, तो ये बात हम किसी को पता नहीं चलने देंगे। क्या चाहते हो? राजगद्दी, सिंहासन, सत्ता, राजमुकुट, राज्याभिषेक, जय जयकार। अगर आप विजयनगर पर युद्ध करते हैं हम आपका सहयोग करेंगे, उसके पश्चात आप विजयनगर पर विजय प्राप्त करने के बाद हमें विजयनगर का राजा बनाएंगे और पंडित रामाकृष्णा को मृत्यु दंड देंगे। आपको स्वीकार है ना? रामाकृष्ण, रात्रि के इस प्रहर में हमें इस प्रकार जगाना इस बात का संकेत है कि कहीं कुछ है जो ठीक नहीं है। जी महाराज, वो आई थी मेरे पास एक प्रस्ताव लेकर। देखिए, अगर आप हिंदुओं से हाथ मिला लेते तो विजयनगर में आपको जितना मिल रहे हैं तो हिंदुओं में आपको 3 गुना ज्यादा वेतन और सम्मान भी दे देगी। फिर क्या हुआ? उसके जाने के पश्चात मैंने उसका पीछा किया। तुम जो सोच रहे हो ना वो
आसान नहीं है। और विजयनगर पे युद्ध करने का निर्णय वो मैं नहीं ले सकता, सिर्फ महाराजा ही ले सकती है। रास्ते से हटा दो महाराज को। एक प्रस्ताव है हमारे पास तुम्हारे लिए। तुम अपने महाराज की आज की रात्रि को उनके जीवन की अंतिम रात्रि में बदल दो। तत्पश्चात स्वाभाविक है कि संदेह और दोष दोनों महाराज कृष्णदेव राय पर जाएंगे। हिमडोंग को भूमि ना देने के कारण उन्होंने वहां के महाराज का वध करवा दिया। तत्पश्चात तुम हिमडोंग की सेना को भड़काकर विजयनगर पर आक्रमण करवाओगे, जिसका परिणाम हिमडोंग की विजय होगी। तत्पश्चात तुम हिमडोंग की महारानी और हम विजयनगर के महाराजा। विश्वास नहीं हो रहा, विजयनगर में महामात्य के रूप में एक बिस्तर पल रहा था, एक ऐसा बिस्तर जो हमें टसने के लिए तैयार बैठा था। पंडित रामाकृष्ण, घर में पल रहा शत्रु बाहरी शत्रु से कहीं अधिक घातक सिद्ध होता है। हमें शीघ्र इस समस्या का निवारण करना ही होगा। आप निश्चिंत रहे महाराज, मैंने युक्ति निकाल ली है जो उनकी योजना को विफल कर देगी। योजना भले ही उन्होंने बनाई है, किंतु उससे लाभान्वित हम ही होंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि मऊ महाराज शुवांशु के प्राण ले लेगी, तब हमारे सैनिक तुरंत आकर उसे बंदी बना लेंगे, और क्योंकि तब तक महाराज शुवांशु के प्राण इस संसार से जा चुके होंगे, तो उनके साथ बनाया गया अनुबंध भी उनके जीवन के साथ साथ समाप्त हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित रामाकृष्ण? महाराज शुवांशु जैसे भी हो हमारे अतिथि, और हम अपने अतिथि के प्राण यूं जाने नहीं दे सकते। नहीं नहीं, महाराज शुवांशु के प्राण बचाने ही होंगे। नहीं महाराज, हमें विजयनगर को बचाना होगा, और विजयनगर की रक्षा के लिए महाराज शुवांशु के प्राणों की आहुति तो देनी ही होगी। सूचना देनी है महाराजा को, तुम भी सुन लो। इधर आओ। We'll be right back.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.